तो भाई यो हमारी गाड़ी गाड़ियों की तरफ, और देख लो एक गाड़ी है, दो गाड़ी है। यहाँ पे अपन ने खड़ी करी थी। एक्चुअली होटल का बैक वाला एरिया है, पूरा का पूरा बैक वाला एरिया है होटल का, तो यहीं पे खड़ी कर दी थी। और काफ़ी सेफ थी, बढ़िया थी, अच्छा खासा पूरा रोड जो है मेन यहाँ पे देखो बाहर साइड है। अभी जो है फटाफट से कर लेते हैं माउंट गाड़ियों को, और इसका सबका सब फटाफट करेंगे। ये देखो बैक एरिया पूरा का पूरा होटल का, पूरा रिसेप्शन है, और बाहर का बताऊँगा आपको, सारी डिटेल्स भी बता दूंगा आपको, क्या हुआ था, क्या प्राइस था और क्या क्या था। और बहुत बढ़िया, कन्वीनियंट है, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लगा। जो ओनर थे वो भी बहुत बढ़िया थे। तो ये है देखो मेन रोड, हम उधर से आए हैं, इधर किधर चले जाएंगे हम लखनऊ की तरफ। और भाई लोगों, अभी हमने गाड़ी, हमारी पैकिंग वैकिंग चल रही है भयंकर वाली, देख लो दो लोग ये वाली गाड़ी को पैक कर रहे हैं। अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन, अपने को गियर पहनने हैं और निकलना है बस, पूरी साफ सफाई चकाचक कर दी है। अपने लक्की भाई की गाड़ी भी ऑलमोस्ट डन है, और यश भाई की गाड़ी में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम क्या है कि यार कल ऑफ रोड बहुत करा ना, जिस वजह से यश भाई की जो ये फॉक सील होती है वो हो गई है ब्रेक, और ये अभी यार पूरी नई की नई बन के आई थी फॉक सील वगैरह, बट वो ना कानपुर के पास ना बहुत गड्ढे वाले रोड है यार, भयंकर बड़े बड़े गड्ढे वाले रोड है, जिस वजह से वो हो गई है लीक। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से अपन होगा तो पोखरा से अपन पोखरा तक ले जाएंगे जहाँ तक है, उसके बाद इसको रेंटल एक गाड़ी शायद से ले सकते हैं, देखते हैं आगे का सिचुएशन क्या है। हो सकता है रेंटल करें अपन मुक्तिनाथ तक, फिर मुक्तिनाथ के बाद वापस आएंगे, तब तक शायद से गाड़ी रिपेयर हो जाए, या फिर अभी हाल आज ही अपन इसको रिपेयर करवा देंगे यामा शोरूम पर जब हम खाना खाएंगे तब। ये है यार, मिलेगा बाहर ऑफिसर चॉइस, ब्लू की टी-शर्ट पहनी हुई सबको एक एक। ओ भैया, ये रात में क्यों नहीं बताया आपने हमको? वाला सर नहीं यार, ये यार छोटू छोटा है यार, ये ऑफिसर चॉइस वो ऑफिसर वाला समझ रहा है, इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं भाई उस ऑफिसर के बाद। हाँ, फिर आप दुनिया के राजा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे है। तो भाई कुछ ऐसा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, अब यश भाई थोड़ा टेंशन में हो चुके हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ सिचुएशन बनेगी तो करेंगे उसको, समझेंगे, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी अब जो है मुक्तिनाथ तो नहीं जा पाएगी भाई, क्योंकि वहाँ पे ना भयंकर ऑफ रोड है, भयंकर वाला। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बाकी रूम वगैरह की डिटेल्स आपको दे देता हूँ मैं, तो ये ओयो दीप रूम्स नाम से है, ये अपना यहाँ पे देखो, ये कानपुर से जैसे आप लखनऊ की तरफ जाओगे ना तो हाईवे पे पड़ेगा, मतलब ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे साइड में पड़ेगा, पर ओयो दीप रूम्स कर लेना आप सर्च तो मिल जाएगा आपको। इसका प्राइस हमको पड़ा 1200 रुपये, देखो ए सी वाला रूम है, और इसमें हम चार लोग आराम से एडजस्ट हो गए, तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था रेट, और कमरा भी अच्छा साफ़ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अभी चलेंगे यहाँ से, फटाफट से गियर अप कर लेते हैं और देन निकलते हैं, और मिलता हूँ आपको मैं सीधे मोटर व्लॉगिंग सेटअप। फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, फटाक से एक चाय गटका के जो है हम निकलेंगे, और ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कहाँ आ गए हम भाई, तो ये होटल जो है इसका बैक एरिया था, यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी। बाकी यार यश भाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, यश भाई के लिए यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वरना तो पूरा प्लानिंग में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सीरियसली। बात कर लें तो कल हमने ट्रैवल किया, तो कल हमने 650 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल किया इन वन डे, और कानपुर में रुकने का हमारा रुकना हमको लखनऊ था वैसे, पर कानपुर में रुकने का रीज़न ये था कि यार आपको पता ही होगा ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो है क्या हुआ था, थोड़ा सा हिमांशु भैया का क्या स्टार्ट फर्स्ट टाइम है इतना लॉन्ग राइड, तो उन्होंने कहा इतना सारा सामान कैरी करना कभी किया नहीं होगा, तो जिस वजह से उनको थोड़ा सा जो है डिले हो गया पैकिंग वैकिंग करने में। कोई ना, अपन ने उसको सपोर्टिवली लिया, और अब ऑब्वियसली यार सब जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई वड़ाई करते फिरो भाई, ऐसा नहीं होता भाई, पॉजिटिवली लेना होता है सब चीज़ों को, सब चीज़ों को सपोर्ट करना होता है। एयरपोर्ट आई गैस, दिस इज़ द एयरपोर्ट, शायद से लखनऊ का ही होगा, भाई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोड का यार, भाई बहुत ट्रैफिक है सीरियसली, और मैं नहीं भाई मेरे को बता रहा हूँ 50 किलोमीटर में मेरे ना वैसे जैसे दिक्कत होने लग गई ना, क्या बताऊँ भाई। आई फ्लाइट भाई अभी हाल फ्लाई लिया है भाई, उसने उड़ान करी है प्लेन ने, वाओ 360 तो बहुत प्यारा शॉट आता। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो भाइयों वी आर हियर इन लखनऊ, और हम आ चुके हैं लखनऊ में, अभी एंट्री मार चुके हैं। हमको वैसे यहाँ से राइट मुड़ना था वैसे मेनली, अगर देखें ना तो
तो ट्रांसपोर्ट नगर से, ठीक है तो हमको ट्रांसपोर्ट नगर से राइट इधर जाना था वैसे, पर अभी हमको सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमको जाना है सर्विस सेंटर पहले यामाहा के। तो यश भाई की गाड़ी वहाँ पर बन जाएगी फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक मुझे फील होता है। सिर्फ शॉकर सील जो है वही होना है, और शायद से हो सकता है कि शॉकर चेंज हो तो भाई वो तो लंबा खर्चा लग जाएगा फिर तो। लखनऊ बाबा का ढाबा पे आए हैं अपन, भैया ने यहाँ पे दो तीन ढाबे हैं, राजलक्ष्मी, बाबा का ढाबा और रॉयल कैफे, तो किस वाले में जाएं? तो हम लखनऊ में आए हैं और आज एक टेस्ट करेंगे भैया लखनऊ में आए, एक डायलॉग बोल दो, लखनऊ का डायलॉग बोल दो एक, खाना खाएंगे फिर आपके पास से। वो है ना, वो लखनऊ में आए हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में आए हैं, वो वाला आपको आपको नहीं आता? अरे सेम ही तो है। अच्छा आप बिहार के हो? भैया खाना अच्छा है यहाँ का, भैया बता रहे हैं तो खाना वाना खा लेते हैं फटाफट से। और देखो कबाब बढ़िया लग रहे हैं, आपकी खुशबू तो आ रही है अच्छी सी। तो भाई फटाफट से जो है पूरा का पूरा सामान लेके अपन खाएंगे खाना, कबाब वबाब ज़्यादा है यहाँ पर। भाई लोगों फाइनली जो है वो टाइम आ गया है, हाथ से ब्लॉग होती है भाई, हाथ से ब्लॉगिंग होती है। चेड़ा भाई ये जो ब्लॉग ख़राब कर रहा है इसको गाली बकना बहुत ज़्यादा। तो हम आए हैं अभी बाबा का ढाबा। तो भाई ये है 150 रुपये की थाली, देखो बहुत टेस्ट लग रही है। भाई लखनऊ का फेमस कबाब, ये वेज वाला है वैसे। गाइस एक और सवारी आ चुकी है एंड इस बार हम सवारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की, देखो ओ माय गॉड बहुत ही मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? लग रही है गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक स्टे के लिए एक शोहरतगढ़ नाम से है जो बॉर्डर के काफी करीब में है, शायद से वहाँ पे स्टे करेंगे। लेट्स सी राज भाई, बहुत अब चलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर, राज भाई और फिर मिलते हैं। तो भाई अभी थोड़ा और दिक्कत आ गया, थोड़ा सा और काम था भाई की गाड़ी में। तो यूपी में अपन लखनऊ में ये वाले स्टार यामाहा मोटर्स पे अपन ने गाड़ी का काम करवाया है, लेट हो गए यार बहुत ज़्यादा। तो बाकी गाड़ी भी चलते हुए आपको पूरा प्लान बताऊंगा अब मैं। चलो भाई लोगों एवरीवन इज़ रेडी टू गो, एक दो तीन चार, चारों गाड़ी रेडी हैं बढ़िया, सबके सब देख रहा है भयंकर तरीके से। अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा शोहरतगढ़ की तरफ और जहाँ तक रहेगा वहीं पे स्टे करेंगे। ओह माय गॉड व्हाट अ रोड, ऐसा रोड मिल जाए तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही बार में खींचें, मज़ा आ जाएगा। चलेंगे गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, दिस इज़ द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो हम कनेक्ट करने वाले हैं जस्ट, एंड पहली बार लाइफ में एंड दूसरी बार एक्सप्रेस वे लाइफ में हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इज़ हियर गाइस, जिसका इतना नाम सुनते थे वीडियोज़ में देख देख के, वो फाइनली आज हम भी उस पर चलेंगे। ये क्या है भाई, ये गाय भैंस क्यों घूम रही है भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे? ये कौन सा एक्सप्रेस भैंस घूम रही है वो भी रॉन्ग साइड पे। अरे यार गाइस हम लोग आए हैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, और देखो भाई रोड देखो यार, इतना सेक्सी रोड और बढ़िया। यहाँ पे अभी आ गया है टोल, जितनी खुशी थी थोड़ा बहुत गम आ गया, अब टोल देना पड़ जाएगा, बट ठीक है यार जिस हिसाब से रोड है बहुत मज़ा आया था, और अभी आगे भी यही वाला चलेगा और बहुत मज़ेदार रोड। तो अभी जो है टोल देते हैं एंड देन हम निकलेंगे आगे, और बाइक देखो भाई कुछ नज़ारे देखो। देखो सामने दिख रहा होगा आप, वो है राम मंदिर, वहाँ से एंट्री होती है। हम लोग 9 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो
9 बजे तो ऑब्वियसली जो है मंदिर बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से दर्शन नहीं कर पाए, पर हाँ अंदर तक बढ़िया माथा टेक के आए अच्छे से, और होगा तो रिटर्न एक और बार जो है देखेंगे, कोशिश करेंगे कि राम मंदिर वापस से आएँ, और डेफिनेटली आएंगे भी, कोशिश क्या करेंगे, आएंगे पक्का। तो गाइस फाइनली वी आर एट अवर डेस्टिनेशन एंड हमको एक रूम मिला बहुत प्यारा सा, देखो कितना बड़ा रूम, देखो दिखाता हूँ, इसमें शादी हो जाए पूरी पूरी लक्की भाई की, पूरा लक्की भाई का खानदान आ जाए इसमें। फटाफट से जो है सोएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, 2:55 और 3 बज चुका है, तो कल पोखरा के लिए निकलना है हमको। एंड हमारी गाड़ी जो है देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है मस्त, चारों के चारों प्यार से बिल्कुल एकदम, और अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है हरिहर पैलेस। चलते हैं यहाँ से फटाफट से सोते हैं, चार्ज लगाते हो सामान, फिर सो जाएंगे, फिर कल दे जाएंगे भगवान जाने जो होगा हो जाएगा। ब्लॉग का एंड करते हैं, डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है और थकान हो गई है। यस भाई के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सीन, वो आपको थोड़ा तो पता है, पर थोड़ा पोखरा में जाके या फिर कल पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, इसका मतलब हो सकता है नए फोक्स चल जाए, नए फोक्स चलने वाले हैं गाइस। मैं तो बोल रहा हूँ यस भाई, फिर भाई गाड़ी उठा लो यहीं से, मैं बजट है उठा लो, बजट देख लो यार, बजट है उठा लो। चलो भाई गुड नाइट, आई विल मीट यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।